देखो रोड यहाँ पर है, गाड़ी यहाँ पर नीचे चला रहे। थोड़ा बार नहीं हो शॉप है ना। आज रात का गुड नाइट ट्रक के अंदर होने वाला है। चलो चलते हैं दोस्तों। गुड मॉर्निंग। ये फोन इज गुड। फोन ओके। सो दोस्तों चलते हैं और लेट्स गो टू बीजिंग। So, दोस्तों ये गाड़ी लेके मुझे छोड़ने जा रहा है जहाँ से मैं हिचहाइकिंग शुरू करूँगा आज सिटी से बहार। और ये कुछ आइसक्रीम चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मतलब ऐसे दोस्त बन के जैसे मेरे गांव का दोस्त होता है ना वैसे। 3 दिन रहा इनके साथ, बहुत ही अच्छा खतरनाक एक्सपीरियंस रहा मेरा। और आज मैं जा रहा हूँ बीजिंग की तरफ। बहुत मिस करूँगा इन लोगों को। Come to India. India, yeah. Travel. Yeah, yeah, bro. That's 2 and 3 hours. 3 years. India. Yeah. Next year. Next year. Yeah. Yeah. 2-3 hours. Next year, go to India. Thank you. Yeah. तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ मेरे हिचहाइकिंग पॉइंट पे। बट एक प्रॉब्लम हो गया है। ये जो भाई जो गाड़ी लेके आए थे, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको पता है। बट आगे फिर भी यहाँ से 2 किलोमीटर जाएगा, उसके बाद एक कटिंग है। तो उतना दूर जाएगा तो ये गाड़ी का चार्ज भी इतना नहीं है। ये खुद फंस गया। अब इसके लिए हम ऐसे जुगाड़ करके ऐसे मतलब ये रोड नहीं है, इससे हम ऐसा करके इस रोड से हम उस साइड लेके जाएंगे। खुद मुझे छोड़ने आए थे और खुद ही फंस गए। गाड़ी कहाँ चला रहे हैं साले। सब कमीने लोग हैं। देखो रोड यहाँ पर है, गाड़ी यहाँ पर नीचे चला रहे। अभी हमको इसको मतलब धक्का देकर ऊपर ले, उस साइड लेना पड़ेगा। या अब मेरे को धक्का देना पड़ेगा। या कम ऑन। हालत खराब है। गाड़ी बालों के नीचे फंस गए। चलो दोनों मिलके धक्का देते। Yes! Come on. Yes, we did it. Wow. Yeah. Strong. Finally. How can you go? Finally, हमने कर दिया। We did it. Boom. Boom. Okay then. Yeah. Bye. Bye. Miss you, man. See you. Bye. 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 Wow. So strong. Good night. Okay. Bye. Bye. Take care. Yeah. And please come to India. Okay. And next year. Call me next year. Okay. Bye. Bye. Take care. Bye. Thank you. Thank you for hosting me. Yeah. Take care. Bye. Bye. Let's go.
1 2 3 ओके बाय बाय मैन बाय बाय ठीक है बाय बाय तो भाई लोग एक चले गए बहुत अच्छे इंसान था क्या बताओ मतलब 3 दिन मेरा कैसा बीता इनके साथ काम दाम करके मुझे पता ही नहीं चला तो चलते हैं मेरा रोड इस साइड है ये रहा हमारा बैग वगैरह और मैं उस साइड जाके हिचाइकिंग शुरू करूँगा पहले बैग वगैरह उठा लेते दोस्तों जय जगन्नाथ और स्वागत करता हूँ मेरे रशिया से इंडिया पैदल इस ट्रिप में इस ट्रिप के दौरान मैं 8 कंट्री और 6 महीने के अंदर इस ट्रिप को मैं कवर करूँगा और इस ट्रिप के दौरान मैं पूरा पैदल चलूँगा मैं हिचाइकिंग करूँगा कैंपिंग करूँगा तो आप ये सोच रहे हैं कि तो अभिजीत भाई आप क्यों बोल रहे हो क्योंकि हम लोगों को तो पता है बट दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि क्योंकि वो लोग मुझे कमेंट करते हैं वो लोग मुझे इंस्टाग्राम में DM करते हैं कि अभिजीत भाई अभी आप कहाँ पर हो तो मैं ऑब्वियसली अभी मैं चाइना भी हूँ तो बोलते कि आप इंडिया कब आओगे तो उन लोगों के लिए मैं एक नया इस तरीके से मैं आपसे मैं जितना ब्लॉग बनाऊँगा इस तरीके से मैं यू नो इंट्रो दूँगा होप करता हूँ इंट्रो आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि आप मुझे कमेंट में बताना ये वाला अभी जो इंट्रो मैं दे रहा हूँ ये वाला इंट्रो अच्छा है और पहले वाला इंट्रो अच्छा है और इस इंट्रो में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए या कुछ सजेशन है तो मुझे आप कमेंट में भेजिए लिख सकते हैं तो अभी यही है मैं अभी सिटी से पूरा बाहर आ चुका हूँ सिटी से पूरा बाहर आ चुका हूँ और पूरा रेगिस्तान है चारों तरफ दोस्तों मैं आज जा रहा हूँ बीजिंग में बीजिंग यहाँ से अराउंड 650 किलोमीटर है और दोस्तों आज पहला दिन है चाइना में हिचाइकिंग शुरू कर रहा हूँ पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा पहला दिन है कोशिश करता हूँ और होप भी करता हूँ कि अच्छा रहे चाइना का मेरा ये हिचाइकिंग जर्नी पूरा मेरा ट्रिप अच्छा रहे तो बाकी सामने वो रहा ब्रिज उस ब्रिज को मैं क्रॉस करूँगा एंड देन वहाँ से मैं हिचाइकिंग शुरू करूँगा तो दोस्तों बहुत टाइम चलने के बाद फाइनली हम उस ब्रिज को क्रॉस कर लिया और यहाँ से मैं हिचाइकिंग कोशिश कर रहा हूँ और दोस्तों रेगिस्तान में अलग अलग तरीके के जो पेड़ होते हैं मैं ये दिखा देता हूँ ये बहुत प्यारा लग रहा है देख सकते हैं ब्रोकोली जैसा लग रहा है बहुत ही प्यारा लग रहा है ये वाला तो दोस्तों आज का जो टारगेट है वो 650 किलोमीटर है इंडियन नॉर्थ में जहाँ से हूँ यहाँ से जो बीजिंग जो डिस्टेंस है वो 650 किलोमीटर है तो गाड़ी की फ्रीक्वेंसी इतना भी ज़्यादा नहीं है बट कोशिश जारी है पूरे कोशिश पर दुनिया कायम है चलो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है पहला दिन चाइना में हिचाइकिंग का नियाओ हाँ मी बीजिंग 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 हाँ 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 इनर मंगोलिया कम थैंक यू ओके तो भाई ये भाई नहीं जाएंगे एटलीस्ट रोका तो सही है 1 घंटे बाद एक गाड़ी रोका तो सही अच्छा लगा 1 घंटे से कोशिश कर रहा हूँ एक भाई ने रोका वो भी बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत टाइम से नहीं रोक रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था अगर आप हिचाइकिंग कर रहे हो अगर कोई स्माइल पास कर रहे हैं तो भी अच्छा लगता है बट कुछ नहीं हो रहा था मतलब कुछ कनेक्शन नहीं बन पा रहा था एटलीस्ट एक इंसान ने रोका तो अच्छा लगा थैंक यू अब थोड़ा होप मिल रहा है कि हाँ हिचाइकिंग इम्पॉसिबल तो नहीं बोलूँगा थोड़ा हिचाइकिंग अब मतलब लग रहा है कि हाँ अब कुछ हो पाएगा बन पाएगा दोस्तों टाइम हो चुका है 3:30 बजे सेम जगह पे खड़ा हूँ बट अब तक कोई भी किसी भी तरीके का लिफ्ट नहीं मिला तो मैं बस सोच रहा हूँ कि आगे की तरफ चला जाऊँ कि कभी कभार ऐसा होता है कि उस जगह पे आप खड़े होते तो कभी कभार नहीं मिलता एक थोड़ा चेंज कर लेते स्विच कर लेते और एक जगह एक गाड़ी आते ही इस गाड़ी को ट्राई करते हैं लास्ट बार अगर इसमें नहीं मिला तो हम जगह चेंज कर लेंगे बहुत टाइम हो चुका है दोस्तों अराउंड 3 घंटे के आसपास हो चुका है नहीं तो चलते हैं आगे की तरफ जगह थोड़ा चेंज कर लेते हैं दोस्तों टाइम हो चुका है 4:30 बजे और मैं वो जो ब्रिज देख रहे हो उस ब्रिज से थोड़ा दूर चल के आके यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और मैं आगे नहीं जा पाऊँगा क्योंकि आगे साइड में बैरिकेड लगाया है और वहाँ पर खड़े होकर मैं हिचाइक मतलब लिफ्ट नहीं मांग सकता क्योंकि अगर वहाँ पर खड़ा होगा तो गाड़ी चढ़ा देगा
बाकी यही है। और 2-2.5 घंटे के बाद शाम हो जाएगा और उसके बाद मैं हिचहाइक नहीं कर पाऊँगा। और अभी से हल्का ठंडी हवा चलना शुरू हो गया। और मैं बस कोई अब तक बोर्ड नहीं लिखा था, तो मैं एक मेरा जो डेस्टिनेशन है आज का उसके लिए एक बोर्ड बना देता हूँ। इसका भी कोशिश कर लेते, ये भी ट्राई कर लेते। तो दोस्तों बोर्ड बन के रेडी हो चुका है, ये देख सकते हो। मैं पहली बार मैंने चाइनीज़ में लिखा है, ये लिखा है बेजिंग। तो कोशिश करते हैं। दोस्तों टाइम हो चुका है 5:30 बजे। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि चलना शुरू कर रहा हूँ, अदरवाइज़ यहाँ खड़े होना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना कोई साइड में कुछ पेट्रोल पंप है, ना कुछ ना घर वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ से शो कर रहा है आगे 6 किलोमीटर आगे एक छोटा सा घर जैसा मैप में दिखा रहा है, और वहाँ से 5 किलोमीटर, मतलब टोटल यहाँ से 11 किलोमीटर मुझे चल के जाना पड़ेगा। तो चलते देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, क्योंकि पीछे भी मैं मुझे 6 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है मेरा जो डेस्टिनेशन है उसके तरफ मैं चलूँ। 4-4.5 घंटा के ऊपर हो चुका है, बट कोई लिफ्ट कुछ भी नहीं, पूरा सुनसान रास्ता है। एक दो गाड़ी क्रॉस कर रहे हैं बट वो लिफ्ट भी नहीं दे रहे। उस साइड वो जो घर दिख रहा है वो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है वो एक, और वो अलग रूट है, वो वाला जो आपको मंगोलियन गेयर दिख रहा होगा, तो उस साइड तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं इस साइड ही जाऊंगा, उल्टा साइड है वो, अलग रूट है। तो बाकी चलते देखते हैं जो भी होगा। दोस्तों गाड़ी रुका है बहुत टाइम बाद, एक टैंकर है, ऑयल टैंकर। चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते।你是蒙族人吗？那印度吗？印度吗？啊 ，India， 印度，印度，印度的啊，你是老外啊？啊 ，travel， 你去哪里？啊，的，你去什么地方 ？Chinese teacher， 啊，啊 ，English key，English， 你好，啊 ，English key，Hello， 我去三，是多少？चाइना का पहला लिफ्ट मुझे मिल चुका है, वो भी 5-5.5 घंटे के बाद। जो भी मिला तो सही, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू जनाब को, इनका चेहरा आप याद रखिए, ये पहला मुझे लिफ्ट दिया चाइना में। शैशे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। मैं तो उम्मीद छोड़ दिया था कि आज मिलेगा कि नहीं, क्योंकि अब देखो यहाँ पर कहीं पर भी आपको किसी तरह घर वगैरह कुछ भी नहीं है, पूरा रेगिस्तान है।环球世界出来玩没有消费吗？哦，你直接翻译过来了。对。So, दोस्तों रात का टाइम है 8:50 और अंकल ने थोड़ा यहाँ पर ब्रेक लिया, कि दिन भर पूरा गाड़ी चला रहे, तो अंकल जाएंगे शैनडोंग। शैनडोंग हेबेई, शैनडोंग हेबेई, चांगजू हेबेई, चांगजू। अंकल जाएंगे शैनडोंग, वो उनका घर है वहाँ पर, और मैं जाऊँगा बीजिंग। बीजिंग के बाद आता है शैनडोंग, मतलब मैं आराम से यहाँ से बीजिंग जा सकता हूँ। हो बे चांगजू, हाँ शैनडोंग, दा 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 दा। ओके, तो हम यू नो ट्रांसलेटर पे बात कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा हुआ कि मुझे डायरेक्ट मुझे बीजिंग के लिए मुझे लिफ्ट मिल गया, और मेरा जो होस्ट है उनसे मैंने बातें भी कर लिया, उनका लोकेशन मुझे शेयर कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। दिन भर बहुत टेंशन हो रहा था कि क्या होगा क्या नहीं, बट ऊपर वाले कुछ ना कुछ हमारे लिए यू नो प्लानिंग करके रखते हैं, बस
उसी उस टाइम पे वो चीज़ें मिलता है, अगर उससे पहले हम हड़बड़ी करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इससे एग्जाम्पल ये मिलता है, मतलब एक एग्जाम्पल है कि अगर लाइफ में कुछ चाहते हो तो उसके लिए ऊपर वाला जिस टाइम पे वो फिक्स करके रखे उसी टाइम में वो चीज़ मिलेगा। हम चाहे जितना उससे पहले हाथ पैर मारे कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो यही है आज का सीख मेरे लिए, यही है कि पेशेंस रखना है और पेशेंस से बड़ा कुछ नहीं होता, और अपना काम करते जाना है पूरे निष्ठे के साथ। तो यही है, अभी थोड़ा रेस्ट ब्रेक कर ब्रेक लिया है अंकल ने, एंड देन उसके बाद फिर से हम चलेंगे। दोस्तों रात का टाइम है 10:15 और अभी हम एक ढाबा एक होटल के सामने हम रुके खाना खाने के लिए, रात को डिनर करने के लिए। चलते हैं, बाहर बहुत ठंड है। तो ये वाला होटल है, चलते हैं अंदर, होटल या ढाबा जो भी है। ये नहीं आओ, कैमरा YouTube, हाँ? YouTube। ज्यादा लोग बहुत परेशान हो रहे हैं मेरा कैमरा देख, क्योंकि चाइना में YouTube नहीं है, तो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि कैमरा लेके क्या घूम रहे हैं। तो दोस्तों हमारा डिनर आ चुका है। ये रहा, ये चिकन है, ये चिकन स्किन है, और अंडे और नूडल खा लेते हैं। और क्या, और पहली बार मैं इन्हें चॉपस्टिक से खा रहा हूँ, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। दोस्तों बहुत परेशानी हो रहा है चॉपस्टिक से खाने के लिए, बट मुझे लग रहा है कि खाना ख़त्म करते करते मुझे एक घंटा लग जाएगा। तो दोस्तों खाना मेरा ख़त्म हो गया और मैं पूरा खा नहीं पाया, बहुत ज़्यादा था मेरे लिए। चलते दोस्तों, खाना हो गया, पेट पूरा फुल है मेरा। चलो चलते दोस्तों, अभी हम रुके पेट्रोल डलवाने के लिए। अंकल बाहर है, अंकल बोले आप बाहर मत निकलो, क्योंकि सामने पुलिस वाले हैं, तो बोले कि आप बाहर निकलोगे तो आपसे पूछताछ करेंगे कि आपके पासपोर्ट है कि नहीं, ये नहीं वो नहीं, इससे बेहतर आप अंदर रुक जाओ, पेट्रोल डलवाते हैं, देन उसके बाद कैश पेमेंट करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं। सही बात है, और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे कि बस मेरे को बहुत सारे, हम जब ट्रांसलेट में बात कर रहा था, मुझे पूछ रहे थे इतने आप अकेले कैसे घूम रहे हो, आपको डर नहीं लगता, आपको ये वो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को पूछे। तो बाकी यही है, पेट्रोल फुल करते हैं एंड देन उसके बाद चलते हैं। तो दोस्तों एक अपडेट है, उसी सेम पेट्रोल पंप है, और अंकल बोले कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, कल से मैं लगातार गाड़ी चला रहा हूँ, तो आज यहाँ पर सो जाते हैं, सुबह निकलते हैं, और ठीक है क्योंकि वो भी बहुत थक चुके हैं, तो कल सुबह चलेंगे यहाँ पर, और आज रात यहाँ पर इसी पेट्रोल पंप पर हम सोने वाले, और अंकल नीचे सोएंगे और मैं सोऊंगा इसके ऊपर। In English, good night, uncle. बहुत हम सो वाला हाँ। अंकल चाइनीज में मुझे गुड नाइट बोल रहे हैं। तो दोस्तों बाकी यही है, आज आप ट्रक पे सो जाते हैं, एंड देन मिलते हैं कल सुबह, और सुबह 10-12 बजे के अंदर मैं पहुंच जाऊंगा बीजिंग, और मैंने होस्ट से बात भी कर लिया कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा, तो बोले चलो ठीक है कल सुबह आ जाओ। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, थ्री गुड नाइट, बाय बाय। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है 7:30 बजे अभी भी हम बीजिंग से अराउंड 180 किलोमीटर दूर है, तो बाकी सुबह का माहौल कुछ ऐसा है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर
इस दुकान से ब्रेकफास्ट और पानी भी लिए, पानी का बोतल। चलते तो भाई, दोस्तों ये जो पानी का टैंक है, पानी आता है यहाँ पे, एक फिल्टर मतलब पानी गर्म ठंडा करता है। ये जो पाइप है ये मिला है इस टैंक पानी की टंकी से, मैं उसके ऊपर पैर रखा हूँ कि ये छोटा सा जगह है। और ये जो मशीन है, यहाँ से आप ये रेड वाला दबाओगे तो गर्म पानी आएगा, ग्रीन वाला में ठंडा पानी आएगा। यहाँ से आप पानी ये देख सकते हो, यहाँ से आप पानी ले सकते हो, जैसे कि हम यही फिल्टर पानी पी रहे, ऐसा कुछ सिस्टम है। सुबह सुबह हमने ब्रेकफास्ट में कुछ ओमलेट, मतलब मान के चलो इंडिया में जैसा हमारा होता है, हमारा जो रोल होता है चिकन रोल बनाते हैं, ऐसा ही सेम वैसा हुआ है। राम राम। बाय बाय। तो भाइयों, मैं आ चुका बेजिंग में, फिलहाल मैं हूँ बेजिंग में, और यहाँ से मुझे बेजिंग एक लोकेशन है शाओयांग, जो कि यहाँ से अराउंड 98 किलोमीटर है। ऐसा कुछ रोड है, अंकल ने बोले वो सीधा चले जाएंगे, मुझे इस रूट से जाना पड़ेगा, यहाँ से इजी होगा। तो बाकी यहाँ से फिर से हिचहाइकिंग शुरू करते हैं। दोस्तों चलते चलते मैं 10 मिनट आगे आ चुका हूँ, और ये अभी मैं यहाँ पर एक बड़ा सा टोल गेट पे, और इस टोल गेट पूछ लेता हूँ कि मैप बहुत ही कन्फ्यूजन मैप है, पहले पूछ लेता हूँ एंड देन उसके बाद आगे की तरफ निकलते हैं। नहीं आओ सर, दिस लोकेशन शाओयांग। I don't speak Chinese. You know English. I'm India. I'm from India. India. 你刚才下来这边是高速，高速上不能行人走，你只能走低速。外边。Thank you. So, sir, 来给你们拍了，给看了，非常好，非常 helpful. Yeah. Translate. So, click. No, click.No. 从这儿下道右拐，然后一直走，走到107国道。Can you please tell them they can drop me? Wait a moment. Wait a moment. Okay. बोलो wait a moment, आप खड़े हो, बहुत ही helpful है यार, लोग यहाँ के लोग, पहला मेरा पहला experience है बेजिंग में, पहला दिन लोग बहुत ही experience, मतलब बहुत ही helpful है मुझे जितना लग रहा है। बाकी तो आपको धीरे धीरे इस जर्नी में आपको पता चलेगा, पूरे एक महीने में रुकने वाला हूँ चाइना में। तो भाई लास्ट में यही हुआ कि बोल रहे कि मैं आपको शटल लॉस करवा देता हूँ, यहाँ पर ये जो सर है इनका कुछ जाना पहचाना है, बोले हमारा कुछ गाड़ी जा रहा है उनसे आप चले जाना फ्री में। मैंने बोला भाई नहीं, ऑलमोस्ट मैंने बोला कि मैं ऑलमोस्ट 9 महीने से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो बोले कोई बात नहीं मैं आपको करवा देता हूँ। लोग आप समझ सकते हो कितने अच्छे हैं लोग। संशय तो चलते अंदर, देखते क्या होता है। लैंग्वेज तो मुझे कुछ नहीं पता, बस जितना पहले ट्रांसलेट पे हम समझ रहे उसी से हम बात कर रहे हैं। थैंक यू। भाई ये कहाँ पे ले गया है मुझे। ओके मैं वेट करता हूँ यहाँ, मुझे बोला क्या, मुझे लग रहा है कि ये पुलिस स्टेशन है, पता नहीं क्या होगा, और मुझे लगा मुझे बोले कि मुझे इतना समझ में आया कि हाँ मैं आपको छोड़ दूँगा, तो मैं वेट कर रहा हूँ, देखते जो भी होता है।
在这儿吧。三十。क्या हो रहा है भाई पता नहीं। Can I come? Thank you. आप 北京838车站。838车站。अच्छा बेजिंग 838 स्टेशन में मुझे छोड़ने वाले हैं, पता नहीं कौन सा स्टेशन है। ओके चलो जो भी है, लोग ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, खुद ऑफिस मतलब कुछ काम करते हैं, कुछ जॉब करते हो, अपना जॉब छोड़ के मुझे पहले हेल्प करने चला है। इससे अब पहला दिन बेजिंग के अंदर हूँ मैं, इससे पता कर सकते हो लोग कैसा है क्या नहीं, इससे आप पता कर सकते हो, और कुछ नहीं बोलूँगा मैं। थैंक यू इंजीनियर आपको। तो भाई सर ने मुझे बोला कि आप थोड़ा वेट करो, मैं अभी आ रहा हूँ। तो ठीक है, बिलीव करते हैं, वो मुझे इतना दूर बिलीव करके यहाँ तक मुझे ला के रखे, तो ऑब्वियसली मैं बिलीव करूँगा, क्योंकि वो इतना दूर मुझे आके यहाँ पर लाए, अराउंड हो गए 22 किलोमीटर के आसपास मुझे यहाँ तक लाए, और शायद कुछ बताना चाहते हैं, तो बोले कि आप यहाँ पर वेट करो एंड उसके बाद मैं आता हूँ। ठीक है, वेट करते हैं। देखो भरोसा मेन चीज़ होता है, मैं जो भी जिस तरीके से ट्रैवल कर रहा हूँ, अगर बिना भरोसे चलूँगा तो मेरे ट्रैवल में पूरा नहीं कर पाऊँगा। तो जो भी चीज़ें मैं जो भी कर रहा हूँ भरोसे के ऊपर चल रहा हूँ, मैं आँख बंद करके लोगों पर भरोसा कर रहा हूँ, और वो चीज़ उसका रिटर्न सब कुछ है, जो भी मैं कर रहा हूँ उस भरोसे की वजह से मैं हो रहा है सब सारी चीज़ें। तो बस यही है, भरोसा करना ज़रूरी है, अगर भरोसा करना नहीं जानेंगे हम, अगर हम किसी को भरोसा ही नहीं करेंगे, तो इस तरीके से ट्रैवल तो मैं कभी भी इम्पॉसिबल कभी भी नहीं कर पाएंगे। और कोई भी अगर हिचहाइकिंग करना चाहता है लोगों पर भरोसा ही नहीं करेगा, तो कभी नहीं होगा ये चीज़ें। तो बाकी जो भी है मैं वेट करता हूँ उनके लिए, और क्या क्या होता है आपको वीडियो में पता चल जाएगा। मेरे की भी समझ से बाहर है, मेरे को भी मेरे दिमाग से मतलब है समझ से बाहर है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। जो भी है आपको बताते हैं। थैंक यू सर से। मैं आपको क्या हुआ बताता हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया हूँ, क्योंकि ये जो इंसान थे जिन्होंने मुझे यहाँ तक लिफ्ट दिए, वो एक आपने देखी कि वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, और उन्होंने मुझे खुद का कार लेके अपना ड्यूटी छोड़ के मुझे 20 से 25 किलोमीटर मुझे लिफ्ट दिए पहली बात। और मैंने उनको बताया, रास्ते में जब आ रहा था मुझे पूछ रहे थे कि आप क्या ट्रैवल कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो मैंने बोला कि मैं दो महीने के आसपास मैं ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ चल के। वो तो लिटरली उन्होंने मुझे यहाँ आके छोड़े, और मुझे जो बोले कि मैं अभी आ रहा हूँ, और मुझे उनके पास कैश नहीं था, वो ATM से कैश विदड्रॉ करके, मतलब यहाँ से मैं जहाँ जाऊँगा उससे 15 युआन लगता है, तो मुझे बताया नहीं कि आपके पास पैसे है, ऐसा कुछ नहीं बताया, मुझे बोले कि आप वेट करो। वो गए कैश विदड्रॉ करके, और ये जो गाड़ी वाले भैया को कैश दिए, बोले कि आप गाड़ी में बैठ जाओ, आपको सही जगह पे छोड़ देगा। आप इससे पता कर सकते हो कि लोग कैसा है, और आप जब तक लोग आप अगर हिचहाइकिंग कर रहे हो, इस तरीके से ट्रैवल कर रहे हो, आप आँख बंद करके लोगों को बिलीव करना पड़ेगा, और आपको कसम से आपको सही इंसान ही मिलेगी। आप अगर सही हो तो आपको सही इंसान ही मिलेगी। आप अगर बिलीव नहीं करोगे लोगों के ऊपर, तो आपके साथ वैसे मतलब वैसे ही लोग आपको मिलते जाएंगे। मैं थैंक यू बोलना भी इनके सामने बहुत कम पड़ रहा है मेरा, जो वर्ड में बोलूँ थैंक यू बहुत कम है इन लोगों के लिए। कोई इंसान गवर्नमेंट में जॉब करता है, खुद का टाइम देके ये सब करना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। शुक्रिया अंजन, आपको दिल से बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, मैं उस बस वाले भाई साहब ने मुझे यहाँ पर छोड़े, और मुझे यहाँ से और एक यहाँ पर सिटी बस लेके मुझे जाना पड़ेगा आगे की तरफ मेरा जो होस्ट रूम पे। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ये जो मैप है यहाँ पर, यहाँ जो मैप मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैप चाइनीज़ में है, और मुझे वो लैंग्वेज नहीं है, तो ऑब्वियसली
इसलिए मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, पर जो भी है लोग हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों से बातें करके जैसा तैसा करके इशारों से बातें करके हो जाता है। तो बाकी यही है, जा रहा हूँ आगे तरफ। और ये कुछ बेजिंग सिटी है, यहाँ से चल के मैं आगे, मुझे बोले कि आगे से मुझे राइट लेना है, चलिए चलते हैं। या दिस लोकेशन लेट्स या जस्ट कम ऑन ले 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 सो जी दा सब की दे ले शी हन जी हुई शी मा आ से से हां या से यू गुआ यू गुआ हां 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 भाई एक इंसान मतलब यहां के लोगों के अंदर कितना पेशेंस है, मैं बस हैरान हूं। पहला दिन में बेन से अराउंड 5 मिनट खड़े होकर बात किया, और मतलब ये लोग हेल्प करने के लिए कभी कतराते नहीं है। मैं पहले रोड क्रॉस कर लेता हूँ। तो भाई मैं ये बोल रहा था, ये जो भाई से मैंने बात किया अराउंड 5 मिनट मुझे समझाए, मतलब ये कभी कतराते नहीं है कि मैं यार ये अपना देख ले, हमारे इंडिया में बहुत जगह होता है सच है जो भी है कि यार वो अपना फॉरेनर अपना देख लेंगे जो भी है, और टैक्सी पकड़ा देते। टैक्सी मेरे लिए खड़ा था, बट भाई ने मना किया, नहीं नहीं टैक्सी नहीं। मैंने बोला कि मैं ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ, तो वो मुझे 5 मिनट पूरा समझाए, एंड देन बार बार मुझे पूछा आप समझ गए ना, आप समझ गए ना। बहुत पेशेंस है इन लोगों को, मतलब मानना पड़ेगा, मैं मान गया, मतलब रेस्पेक्ट बहुत बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब पहले मेरे दिमाग में जो भी था वो सब कुछ मेरे दिमाग से हट गया, और इन मतलब चाइना के लोगों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मन में नो रेस्पेक्ट आ रहा है कि ज़रूरी है कि अब देख रहे हो कुछ चीज़ें कैसा हो रहा है। अननोन लोग मेरे लिए 5 मिनट खड़े होकर बातें करना और खुद टैक्सी वाले को मना करना, ह्यूज ह्यूज रेस्पेक्ट। तो जो रोड देख रहे हैं टू व्हीलर के लिए, जो रेड कलर का रोड देख रहे हैं टू व्हीलर के लिए, बहुत ही मस्त चीज़ है भाई। डॉक्टर साहब क्या बैठे हैं? हेयरकट हेयरकट नो थैंक यू, मेरे से डॉक्टर है तो यहाँ पर बैठ के ना 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 हाँ हाँ यहाँ पर बाल काटते हम ओके। मैंने सोचा डॉक्टर है, बट डॉक्टर अप्रूव पहन के बैठे बाल काटने के लिए, यहाँ पे कुछ ऐसा ही होता है उनका यूनिफॉर्म। मैंने जब पहली बार देखा तो मुझे लगा कि डॉक्टर है, क्योंकि हमारे यहाँ पर डॉक्टर का ड्रेस डॉक्टर के अप्रूव ने वैसा पहने हैं, तो जब मैंने देखा तो बोल के हम बाल काटते। अलग देश अलग, इन लोगों का हिसाब सब कुछ अलग होता है। वाह यहाँ से बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो दोस्तों शाम का टाइम है 7:30 बजे, और अभी मैं फ़िलहाल हूँ चाइना के बेजिंग रेलवे स्टेशन में। मेरे पीछे देख सकते हो मेरा ये बेजिंग रेलवे स्टेशन, और शाम का माहौल कुछ बहुत ही तगड़ा है। बट अभी भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं अभी भी मेरा लोकेशन सही से ट्रैक नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा जो होस्ट है उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो मैंने उन्होंने जो मैं कल मुझे लोकेशन भेजा था उस लोकेशन के हिसाब से मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लोकल से पूछा तो वो बोले कि यहाँ पर जो पीछे देख रहे इंक्वायरी है, इंक्वायरी को एक ऑफिसर्स बैठे उनसे मैंने पूछा, बोले कि आप बस नंबर 3 ले लो, यहाँ से आप इस जो लोकेशन है उसके आस पास आप चले जाओगे। तो मैं बस उसी के लिए वेट कर रहा हूँ, बस वगैरह मेरा बैग वगैरह यहाँ पर रखा है, मेरा फ़ोन भी ऑलमोस्ट डेड होने को है, तो मैं पावर बैंक में बिठा दिया हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ बस के लिए। बाकी माहौल बहुत ही गजब है। तो दोस्तों बस में मैं बैठ चुका हूँ, बस नंबर 3, और यहाँ से मैं बस जाएगा, मुझे जो लोकेशन है होस्ट का उसके आसपास चल जाएगा, बाकी चलते हैं। और मुझे कुछ पता नहीं है इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, 4 UI बाकी यही है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता। सो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं उस जगह पे, बट
मेरा जो होस्ट भाई साहब है वो बिजी है, उसने मुझे एक वीडियो करके भेजा, बोला कि इस लोकेशन पे आ जाओ। मैं आ चुका हूँ, पता नहीं किसी घर में घुस रहा हूँ, बाकी चलते हैं देखते जो भी है। तो मुझे वीडियो पे इस वीडियो के हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा, देख के जाना पड़ेगा। 13 नंबर 13 फ्लोर 13। क्या क्या करना पड़ रहा है भाई, मतलब चाइना में इतना टेक्नोलॉजी इतना डेवलप है, मुझे अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। जो गेट था गेट लॉक इसलिए था क्योंकि वहाँ पर फेस लॉक होना ज़रूरी है। सिक्योरिटी गार्ड आए उसके बाद जाके फेस लॉक देखे डोर खोले। तो 1300 तो रूम अंधेरा भाई, कहाँ आ गया 1302 1302। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मेरे होस्ट रूम पे। ये रहा मेरा होस्ट जेम्स। हेलो जेम्स, हाउ आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम कैलिफोर्निया। जेम्स यू आर कैलिफोर्निया से, और यहां पर सिंस हाउ मेनी ईयर यू हैव बीन हियर? बीन हियर 4 इयर्स इन बीजिंग। 4 इयर्स, पिछले 4 साल से यहां पर है जेम्स। और थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग मी। हे, यू आर वेलकम, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। और रात का टाइम है 11 बजे और खाना खा लिए थे, उसके बाद भाई ने बोले या जस्ट डू इट व्हाटएवर यू वांट। तो जेम्स भाई खाना जो भी डिनर बनाया था वो खा लिए, क्योंकि उनका दोस्त आए थे तो मेरे लिए फिर से वो ऑर्डर किए। ये इसमें चिकन वगैरह जो भी है, क्या है, फ्राइड राइस, मैंने बोला फ्राइड राइस तो फ्राइड राइस यहाँ पर ऑर्डर किए। तो खाना खा लेते हैं एंड देन उसके बाद गुड नाइट बोल के इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। एंड कल से हम होप सो कि कल से हम इस बीजिंग को ट्रैवल करेंगे, बीजिंग पूरे बीजिंग को हम कल से एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों डिनर हो चुका है और मेरा जो होस्ट वो भी सो गया है, मैं थोड़ा बहुत काम कर रहा था लैपटॉप पर। तो होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ब्लॉग लेके, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।